आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के टेस्ट के बारे में कि जो टेस्ट है वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है और ये टेस्ट कैसे किए जाते हैं। तो इसमें दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एक होता है आरटीपीसीआर टेस्ट और एक होता है स्ट्रिप टेस्ट। तो आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है ये आपका हॉस्पिटल में होता है, ठीक है, बड़ा सेटअप चाहिए होता है इसके लिए। और जो स्ट्रिप वाला टेस्ट है वो जैसे आप ब्लड शुगर करते हैं या प्रेगनेंसी स्ट्रिप होती है बिल्कुल उसकी तरह होती है, वो बहुत सिंपल घर पे किया जा सकता है। आरटीपीसीआर टेस्ट में आपको रियल टाइम में वायरस का पता लगाते हैं कि बॉडी में वायरस है या नहीं, यही पता लग जाता है आरटीपीसीआर में। और जो किट वाली जो स्ट्रिप वाला टेस्ट है इसमें आपका ब्लड के थ्रू होता है, तो इसमें आपको एंटीबॉडी डिटेक्ट करते हैं, वायरस को डिटेक्ट नहीं करते, तो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं, उससे पता लगता है कि इन्फेक्शन अभी है या पहले कभी रहा है। ये दो फर्क हो गए। तो इसके लिए जो आरटीपीसीआर है इसमें नॉर्मली क्या करते हैं कि आपका एक स्वैब लेते हैं, स्वैब का मतलब कॉटन में आपका सैंपल लिया जाता है, थोड़ा यूफेरिंग्स नाक के रास्ते डाल के आपका जो या अलग से आपके नेजोफेरिंग से आपका एक सैंपल लिया जाता है सिक्रीशन का, उसमें वायरस आ जाता है ड्रॉपलेट में और उसको फिर हम लैब में ग्रो कराते हैं। उससे हम कैसे ग्रो कराते हैं उसमें आपके उसके लिए मैंने एक ये एनिमेशन बनाई है, बहुत ही बेकार बनी है, मतलब उसकी ड्राइंग और हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है। मुझे भी एहसास हुआ कि मेरी हैंड राइटिंग और ये ड्राइंग कितनी ख़राब है, पर आप लोगों की थोड़ा बहुत समझ आएगी तो आप ये एनिमेशन देखिए, इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि ये टेस्ट वगैरह कैसे होते हैं और ये इसमें कितना टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, तो सपोज कर लीजिए ये हो गया आपका कोरोना वायरस, ठीक है, और ये इसका आरएनए हो गया अंदर। इस आरएनए को यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, इस आरएनए को हमने बाहर ये आ गया, इस आरएनए से हमने बनाया ये डीएनए, ये हो गया आरएनए और ये हो गया डीएनए, दोनों सिंगल स्टैंडर्ड हैं, दोनों में सिंगल है अभी तक, ठीक है। और इस प्रोसीजर को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और रिवर्स इसलिए नॉर्मली होता क्या है, जो डीएनए से आरएनए बनाते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और ये यहाँ पे जो है रिवर्स हो रहा है क्योंकि यहाँ आरएनए से डीएनए बना रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरटीपीसीआर, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, वो भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे इसको ग्रो कराते हैं। अब ये डीएनए बन गया सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, अब इसको डबल स्टैंडर्ड करेंगे, सिंगल वाले को एक इसकी कॉपी बना लेंगे, ठीक है, एक ये हो गई डबल स्टैंडर्ड, ये डबल स्टैंडर्ड हो गया डबल, ठीक है, दो आ गए इसमें। अब ये दो की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जो डाई इसमें यूज़ करते हैं उसी डाई को हम मेज़र कर रहे होते हैं, वो डाई इस डबल में ही आके बीच में फंसती है, ठीक है, और उसी से एमिशंस निकलता है, रेडिएशंस ऐसे निकल रहे होते हैं और उसी को हम मेज़र कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये डबल स्टैंडर्ड बन गया, अब ये ग्रो करेगा, इसको ये बन गया, ये बन गया, ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड आ गया, इतने सारे बन गए, अब इससे इसमें सब में डाई है, अब डाई बढ़ रही है, डीएनए बढ़ रहे हैं तो डाई भी बढ़ रही है, और ये इस तरीके से अगर ग्राफ देखें तो ये इस तरीके से आता है, ये हो गई डाई और ये टाइम, तो ये ऐसे बढ़ता हुआ दिखेगा ग्राफ, इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, पेशेंट को कोरोना वायरस है, ठीक है। और अगर ये डाई नहीं बढ़ती है, फ्लैट आती है ऐसे, ये डाई का हो गया, ये टाइम का हो गया, ये फ्लैट आ रही है इस तरीके से, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है टेस्ट, ठीक। तो ये हो गया, हमने इसमें क्या किया कि आरएनए से बनाया डीएनए को थ्रू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, है ना, एंजाइम्स यूज होता है इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक। और ये डीएनए बनाया, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड था उसको डबल किया क्योंकि डाई उसमें फंसेगी, अब डाई उसमें फंस रही है, एक ये डाई जो फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करते हैं महंगी होती है इसलिए टेस्ट भी महंगा होता है, तो ये फिर ये जब ये डीएनए ग्रो करेगा तो उसके साथ साथ डाई भी बढ़ रही है, डाई की क्वांटिटी बढ़ रही है, अमाउंट जो फ्लोरोसेंट वाली है वो बढ़ रही है, वो हमें इस ग्राफ में दिख रहा है, मैंने ये ग्राफ आपको बताया, इस ग्राफ में दिख रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। और जिसमें ये क्वांटिटी नहीं बढ़ती, जब वायरस ही नहीं होगा तो आरएनए नहीं होगा, आरएनए नहीं होगा तो फिर डीएनए नहीं बनेगा, डीएनए नहीं बनेगा तो फिर ग्रो नहीं करेगा और डाई वहीं की वहीं रहेगी, वो मैंने आपको बताया इसमें, ठीक है। ये हो गया दोस्तों कि इसमें हम वायरस को चेक कर रहे हैं, डायरेक्ट वायरस के आरएनए को, ठीक है, तो इसका मतलब वायरस की एक्टिविटी को चेक कर रहे हैं इस टेस्ट में। ये हॉस्पिटल में होता है, बड़े सेटअप में होता है, इसके लिए पूरी प्रिकॉशंस ली जाती हैं जब सैंपल ले रहे होते हैं। अब जो दूसरा टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो काफ़ी सिंपल है, ठीक है, उसमें क्या होता है
उसमें एक किट होती है, जैसे कि आपकी एक शुगर टेस्ट जिसे आप घर पे करते हैं, या यूरिन प्रेगनेंसी की जो किट होती है उसकी तरह दिखती है ये, और वैसे ही इसको करना होता है जैसे कि टेस्ट इसका, जैसे आप ब्लड शुगर करते हैं। ये दिखेगी किट ऐसी, समझ, ये देखिए ऐसे दिखेगी आपको। ठीक है, ये आपका होगा एक बफर, यहाँ बफर डालने के लिए होता है, ये आपका सैंपल के लिए होता है जहाँ आप ब्लड डालेंगे एक बूंद। ठीक है, ये आपकी टेस्ट लाइन आ रही होती है, कंट्रोल वाली, कंट्रोल बोलते हैं इसे, इससे पता लगता है टेस्ट ठीक ठाक चल रहा है नहीं चल रहा। जब ये लाइन आ जाती है तो इसका मतलब टेस्ट आपका हो गया है। ठीक है, और ये आपकी एक लाइन होती है और एक लाइन ये होती है, पहली लाइन ये वाली जो है, ये पहली लाइन जो है आई जी एम है, और ये दूसरी लाइन ये वाली ये है आई जी जी। ठीक है, और अब आपने सैंपल डाला यहाँ और बफर डाला यहाँ। बफर एक सॉल्यूशन होती है नॉर्मली जो इसके साथ ही आती है टेस्ट के, और उसका काम होता है आपके ब्लड को यहाँ पहुँचाना। ब्लड आप डालेंगे यहाँ सैंपल वाली जगह पे, ये ब्लड वाली जगह, ये जो आपके है ये यहाँ ब्लड डालेंगे एक बूंद, जैसे आप उसमें डालते हैं अपने जब ब्लड इसका शुगर का करते हैं घर पर। ठीक है, बफर ने इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, ये लाइन आपकी टेस्ट वाली अगर आ गई तो इसका मतलब आपका टेस्ट ठीक चल रहा है, यहाँ तक ब्लड आपका पहुँच गया। ये कंट्रोल वाली लाइन अगर आपकी आ जाती है तो इसका मतलब टेस्ट ठीक चल रहा है। ठीक, अब इसमें अगर खाली ये वाली पहली लाइन आती है आई जी एम ये वाली लाइन आती है, इसका मतलब कि आपको अक्यूट इन्फेक्शन है, एक्टिव इन्फेक्शन अभी है बॉडी में, इन्फेक्शन है आपका कोरोना का। ठीक है, ये एक्टिव इन्फेक्शन शो करती है, ठीक अभी चल रहा है। अगर खाली ये आती है आई जी जी वाली लाइन आती है तो इसका मतलब आपको पास्ट में इन्फेक्शन हुआ इसका, कभी कोरोना का, ये पास्ट का इन्फेक्शन शो करता है। ठीक है, पास्ट कोरोना इन्फेक्शन ये शो करता है। ठीक, और अगर मान लीजिए सपोज दोनों आ गई लाइनें तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है रिकवरी वाला फेज चल रहा है, अभी इन्फेक्शन आपको हाल फिलहाल में हुआ है, यानी कि अभी आप रिकवर कर रहे हैं, पूरी तरह नहीं कर पाए हैं, तो आपको ऐसे में भी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। चाहे आपका आई जी एम आए या दोनों पॉजिटिव आए तो इसका मतलब इन्फेक्शन आप में है, रिकवरी चल रही है अभी आपकी, तो ऐसे में भी आप दूसरे को इन्फेक्शन लगा सकते हैं। तो अगर आप में खासकर ऐसे टाइम में आपको क्वारंटीन हो जाना चाहिए, अपने आप को एक सेपरेट रूम में अलग रखना चाहिए, अपने परिवार वालों से बचना चाहिए, और अगर कोई वार्निंग सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि कोई सांस फूल रहा है या कोई निमोनिया वाले लक्षण हैं तो फिर आपको हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये था स्ट्रिप टेस्ट, इसमें हम एंटीबॉडीज़ को मेज़र कर रहे हैं ना, और डायरेक्ट ये एक तरीके से इनडायरेक्ट हो गया है ना। अब इसमें ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना चाहिए, और उसमें आपका आ जाता है तो फिर ये कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों स्ट्रिप टेस्ट हो गया जो था, और पिछली बार था आरटीपीसीआर टेस्ट। ठीक, तो दोस्तों ये थी एक एनिमेशन जिससे के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि क्या आरटीपीसीआर टेस्ट होते हैं और ये क्या किट टेस्ट होते हैं और इसमें क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। और एक बहुत जल्दी हो जाता है, एक लैब में जाना पड़ता है, एक रियल टाइम में आपके वायरस को डिटेक्ट कर लेता है कि कितना आपकी बॉडी में कोरोना वायरस है या नहीं है, दूसरे में आपको पता लगता है एंटीबॉडीज़ हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपके वीडियो काम की रही होगी और आप इसको आगे शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों खुश रहिए, औरों को खुश रखिए। जय हिंद दोस्तों।